भारत ते पाकिस्तान दरमियान 2 सितंबर नू पलेकल च मैच खेडिया जाएगा। एशिया कप 2023 दे तीजे मुकाबले च ए दोवें टीमां आमो सामने होणगियां। भारत ते पाकिस्तान दे दरमियान लंबे समय तो बाद मैच खेडिया जाएगा। टीम इंडिया मैच लई प्लेइंग 11 दे विच तजर्बेकार खिडारियां नू पहल दे सकदी है। इस दे नाल नाल नौजवान खिडारियां नू भी मौका मिल सकदा है। भारत लई कप्तान रोहित शर्मा अते यशस्वी जसवाल ओपनिंग कर सकदे ने। एशिया कप च इस बार पहला मैच 30 अगस्त नू पाकिस्तान अते नेपाल च खेडिया जाएगा। उधर भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान नाल होएगा। टीम इंडिया दे लई इस मुकाबले च रोहित शर्मा दे नाल शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते ने। विराट कोहली नंबर 3 ते बैटिंग करनगे। ईशान किशन नू बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज मौका मिल सकता है अते 4 नंबर ते बैटिंग कर सकते ने। सुरेश अय्यर नू भी मौका मिल सकता है अते ओ मिडल ऑर्डर विच बैटिंग कर सकते ने। हार्दिक पांड्या नू बतौर ऑलराउंडर खेडन दा मौका मिल रहा है। पाकिस्तान दा बॉलिंग अटैक काफी चंगा है। टीम इंडिया भी बॉलिंग अटैक नू मजबूत करना चाहेगी। उधर जसप्रीत बुमराह अते मोहम्मद शमी नू प्लेइंग 11 दे विच शामिल कीता जा सकदा है। बुमराह ने लंबे समय बाद मैदान ते वापसी कीती है अते हाल ही विच आयरलैंड दे खिलाफ T20 सीरीज विच चंगी गेंदबाजी कर रहे ने। रविंदर जडेजा ते कुलदीप यादव नू प्लेइंग 11 दा हिस्सा बनाया जा सकदा है। जडेजा कई मौकियां ते चंगा परफॉर्म कर चुके ने अते इस दे नाल ही शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया दी बॉलिंग अटैक विच शामिल हो सकदे ने। पाकिस्तान के खिलाफ मैच दे विच टीम इंडिया दी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहेगी। शुभमन गिल, रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन विकेटकीपर, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह ते मोहम्मद शमी नू टीम दे विच शामिल कीता जा सकदा है।